श्री प्रकाश जी ने सर्वप्रथम सुशोभित किया हो, उसमें मेरे जैसे एक छोटे अदन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल बनने का मौका मिला है। और ये भी मैं सोचता हूं कि सिद्ध विनायक के ही कुछ कृपा हो। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि देश के प्रथम नागरिक आदरणीय सदैव हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आज हमारे बीच में है और उनके कर कमलों द्वारा आज इसका अनावरण, इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं लगभग 2.5 वर्ष से यहां पर हूं। मेरी कोशिश रही है कि राजभवन थोड़ा राजकाज भी करे और केवल राजभवन नहीं तो एक जनता का भवन बने, लोक भवन बने, ये मेरी कोशिश रही है। आप सबके स्नेह प्रेम से पिछले 2.5 वर्षों में, विशेष करके कोविड काल में, मैंने कोशिश की कि विश्वविद्यालयों के शास्त्र के नाते अपने जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका कोविड काल काल में अधिकतम योगदान हो। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे छात्र छात्राओं ने, विश्वविद्यालयों ने अनेक प्रकार से, चाहे ब्लड डोनेशन हो, प्लाज्मा डोनेशन हो, और भी अनेक प्रकार से काफी सेवा की। और मुझे जिले के अधिकारी जब उनके इस योगदान को बोलते तो अच्छा लगता कि हमारे विद्यार्थी सब में योगदान दे रहे हैं। और कोरोना काल में 5-6 महीने बीतने के बाद मेरे पास अनेक लोग आने लगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, तो साहब हम आपके हाथ से उनका सम्मान चाहते हैं, फेलिसिटेशन चाहते हैं। मुझे इससे बड़ा गौरव की बात क्या हो सकती। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अरे राज्यपाल जी आपको भी कोरोना हो जाएगा, तो मैंने कहा कि मेरे माँ ने मुझे बहुत कोरोना दी है और इसलिए शायद कोरोना मुझे नहीं होगा। और मैंने कोशिश की कि ऐसे सैकड़ों ग्रुप, कोई एनजीओ, कोई संस्था चाहती है कि जिन्होंने उसके मोहल्ले में, उसके आसपास में बहुत अच्छा काम किया कोरोना में, बहुत से धनाढ्य लोगों ने अच्छा योगदान दिया, तो लोगों ने कहा साहब इनका हम यहाँ पर फेलिसिटेशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले साल सवा साल में प्रतिदिन यहाँ ये कार्यक्रम होते रहे और मुझे निश्चित संख्या, मैंने कहा इनको लिखो तो लिख भी नहीं पाए, कोई कह रहा 10,000 हो गया, मैंने कहा 10,000 नहीं तो 5,000 लोगों को मैंने सम्मानित किया होगा और उनको सम्मानित करते हुए मैं अपने को सम्मानित अनुभव करता था। इतनी हस्तियां यहाँ पर वो उनका सम्मान करते और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अनेक सामान्य से पटवारी है, एक स्वच्छक है, सफाई कर्मचारी है और एक छोटा सिपाही है, यानी ऐसे छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े, चाहे फिल्म के एक्टर हो और क्षेत्र में काम खिलाड़ी हो और काम करने वाले हो, जिसने भी योगदान दिया उनका यहाँ सम्मान करने का कार्यक्रम किया गया। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे ऐसे जिन लोगों ने समाज में सेवा की उनका सम्मान करने का आदरणीय राष्ट्रपति जी आपके इस छोटे से राज्यपाल को सौभाग्य मिला कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैंने कोशिश की है कि आखिर मैं यहां राज्यपाल हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर सीमाओं के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। यहां जब मैंने देखा कि FRA के अंदर, फॉरेस्ट राइट्स उसके अंदर बहुत सारे अधिकार हमारे जनजाति के काम, जनजाति के लिए हमको दिए गए हैं, और मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए, डेलीगेशन आए कि साहब हम अपील करते हैं, हम जमीन की मांग करते हैं, दूसरी मांग करते हैं, बोले कुछ तो स्वीकृति जिलाधिकारी करता है, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं, बोले उसका जो अधिकार है दोबारा उसको ठीक करने का, करेक्ट करने का, अपील का अधिकार भी जिलाधिकारी को है।
मैंने वो जिलाधिकारी को छोड़ करके वो सीधे कमिश्नर को कर दिया। इसके कारण से लोगों में काफी प्रसन्नता है। हमने बहुत सारे काम, मैं वो सब डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये जो हमारे जनजाति के लोग हैं, 23,000 लोगों को राष्ट्रपति जी, इस 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने उनको जमीन का अधिकार और मकान बनाने का अधिकार ये दिलवाने का अपनी सरकार के सहयोग से कर, सरकार का इस सब में सहयोग रहता है, उसके कारण से हम इतना अधिक कर पाए। और मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए ये मेरे लिए भी इस सौभाग्य की बात है। हमने बहुत सारी कोशिश की है, मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, लेकिन कोशिश की है कि डिफेंस की दृष्टि से कुछ हो। इस दृष्टि से नागपुर में हम लोगों ने डिफेंस सेंटर एक्सलेंस विश्वविद्यालय भी किया है। इसी प्रकार से मुंबई विश्वविद्यालय में कुछ दिन गोवा का भी राज्यपाल था, तो वहाँ अपना नेविगेशन के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में, मैरिटाइम क्षेत्र में वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, काम होता है। तो मैंने उनकी और मुंबई यूनिवर्सिटी के कोलिब्रेशन में यहाँ नेवल क्षेत्र में भी मैरिटाइम स्टडीज के लिए भी नया स्टडी शुरू करवाया, ताकि भविष्य में जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें लड़कों को अवसर मिले। वो भी मैंने कोशिश की कि मुझे यहाँ आकर के सबसे आश्चर्य लगा कि सारे राज्य के कर्मचारी जो है उनको 6ठा 7वां सब वेतनमान मिल गए, और राजभवन के कर्मचारी उनको 2006 से उनका कोई पदरीक्षण ही नहीं हुआ है, उनका रिवीजन ही नहीं हुआ, उनको मिलता ही नहीं जो उनको मिल रहा है। तो मैंने यहाँ से तत्काल आकर के हिसाब की कोशिश की और उन सभी कर्मचारियों का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्राप्त की, उनको सारी सुविधा दे करके ये 2006 के बाद घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि जो भी जहां हमसे सुविधा हो सके, जो भी हम सेवा थोड़ी बहुत कर सके, उस दिशा से मैंने अपने कर्मचारियों के लिए भी कोशिश की। मेरे एक अधिकारी ने कहा कि देखिए सर, यहाँ पुलिस की कैंटीन खोली जा सकती है। वो कैंटीन खुल गई तो मैं आपके कर्मचारियों को 20% का कम से कम सस्ता चीजें मिलेंगी। मैंने हमारे यहाँ के नगर के पुलिस कमिश्नर है उनसे कहा कि भाई जरा करो, कोशिश करो। आज कर्मचारियों को यहाँ उस कैंटीन के माध्यम से बड़े खुश हैं कर्मचारी, उनको उसमें बहुत सुविधा हो जाती है। तो ऐसे बहुत कोशिश की मैंने कि यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए। यह ऐतिहासिक बंकर है, हमारे कुछ मित्रों ने यहाँ जब उनको हमारे साहित्यकार इतिहासकार ऐसे लोगों को मैंने एक हफ्ते रहने के लिए बुलाया, उन्होंने बंकर देखा तो उन्होंने कहा सर ये महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उन क्रांतिकारियों को वस्त्र जो है, मूर्ति जो है, इस बंकर के होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी ही आपसे आग्रह करूंगा, अवसर हो तो फिर आप आने का कष्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो भी हमारे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हैं उनको बंकर में उनकी बस लगा करके एक अच्छे म्यूजियम के रूप में प्रेरणादायी भी वो हो, इस दृष्टि से भी हमारा प्रयास चल रहा है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे काम है, मैं लंबा समय नहीं लूंगा। इस राजभवन में हमारी कोशिश थी कि यहाँ कुत्ते बिल्ली बहुत घूमते थे, चूहे भी बहुत घूमते थे, तो हमारे एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना सुंदर जंगल है, राजभवन इतना अच्छा है, वो मोर की पंखी भगवान कृष्ण भी लगाते हैं, तो यहाँ मोरों को क्यों नहीं पाला जाए, पीकॉक्स क्यों नहीं पाले जाए। तो पिछले 6 महीने के अंदर हम यहाँ 4-5 पीकॉक लाए और यहाँ 15-20 पीकॉक ने सुबह शाम घूमने वाले जो भी आते हैं वो उससे प्रेरणा लेते हैं, उनकी फोटो लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं। तो एक प्रकार से ये राजभवन लोक भवन बने, ये अच्छा काम इसमें हो, ये मेरा प्रयास रहा है। इस राजभवन को, इस दरबार हॉल को, इससे मैं छोटा सा निवेदन करूँगा, क्या हम दरबार हॉल का नाम देश भर में, इसी यहीं पर नहीं, क्या हम संतों के नाम से रख सकते हैं? जैसे मैं सोचता हूँ अगर इसका नाम दरबार हॉल की जगह क्या समर्थ सभागार, स्वस्थ सभाग्रह, ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल का मामला है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। ऐसा होगा तो शायद और अच्छा होगा। अंत में मैं आपका आभार करता ही हूँ, आपके प्रति तो मेरी बहुत आपके लिए कृपा की हम लोगों पर। मैं इस रात नए दरबार हॉल को बनाने में, सभागार को बनाने में एक रिकॉर्ड टाइम हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, इंजीनियरों ने, इसकी जो आर्किटेक्ट है आभा, उसने रहने एक बार में उनको डांटता भी था, लेकिन उनने रात दिन मेहनत करके इसको रिकॉर्ड टाइम में बनाने की कोशिश की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने
क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वित्त मंत्री भी हैं, हमारे कुबेर हैं, उन्होंने कभी कंजूसी नहीं की, वैसे कहते कंजूस है लेकिन इस मामले में कभी कंजूसी नहीं की। और अशोक जी हमारे चव्हाण साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी कहीं पर कोई अवरोध आ रहा हो, कोई मना कर रहे हो, तो मैं इनके प्रति बहुत आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ। हमारे सचिव हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विशेष करके आपके आगमन के समय मैं जिनका सर्वाधिक आभार करूँगा वे हैं जिन्होंने 12 घंटा 14 घंटा काम किया। अगर वो मजदूर न हो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर ये मजदूर न हो तो हम दुनिया से दूर होंगे। आज इन्हीं की कृपा है, ये अपना पसीना बहाते हैं, ये अपना चिंता काम करते हैं। जितना उनको कहा गया उतने ही हमने कहा जल्दी करना है, आप पिछली बार आए फिर हो नहीं पाया, रात दिन तक करके कैसे काम किया। मैं सोचता हूँ कि मैं उन मजदूरों का बहुत कृतज्ञ हूँ और आपसे भी निवेदन करूंगा कि देश में जहाँ कहीं मजदूर है, अगर हम उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा के थोड़ा उसका सहयोग कर सकेंगे, हम बहुत ऊंचे उठे लोग हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस दरबार हॉल का जो आज लोकार्पण हो रहा है वो सफल होगा। इसी पंथ के साथ एक बार फिर आपको मेरा बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते ऐतिहासिक दरबार हॉलचे उद्घाटन झाले आहे। यावेळी आताच राज्यपालांनी राजभवन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर केल्याचं वक्तव्य या भाषणाच्या दरम्यान केलं आहे।